हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक। दोस्तों, आज की क्लास में हम जो पढ़ने जा रहे हैं मेथड ऑफ रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर। इससे पहले हमने आपको बताया था कि डिवेंचर क्या होता है, डिवेंचर इशू किससे होता है, टाइप ऑफ डिवेंचर क्या होता है, और आज के क्लास में हम आपको बताएंगे कि कोई कंपनी जो है अपने डिवेंचर का रिडेम्पशन कैसे करती है। रिडेम्पशन मतलब भुगतान, यानी रीपेमेंट डिवेंचर का कैसे होता है उसके बारे में हम आज बात करेंगे। इसके मेथड जो हैं, फाइव टाइप के मेथड हैं। सबसे पहला मेथड है कन्वर्जन का, दूसरा मेथड है पेमेंट आफ्टर ए फिक्स पीरियड, यानी एक समय के बाद डिवेंचर का पेमेंट कर दिया जाता है। इसके लिए दो मेथड यूज होता है, सिंकिंग फंड मेथड और सिंकिंग फंड इंश्योरेंस पॉलिसी मेथड। इसके बाद आता है दोस्तों तीसरा जो है एनुअल ड्रॉइंग मेथड, फोर्थ एट द ऑप्शन ऑफ द कंपनी, मतलब कंपनी जब चाहे तब उसका यानी डिवेंचर का रिडेम्पशन कर सकती है, और लास्ट होता है परचेज इन द ओपन मार्केट, यानी ओपन मार्केट से कोई भी कंपनी जो है अपने डिवेंचर को परचेज कर सकती है। यानी ये फाइव ऑप्शन होते हैं रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर के। सबसे पहले बात करते हैं कन्वर्जन। कोई भी कंपनी किसी भी डिवेंचर का कोई एक डिवेंचर होल्डर को ऑप्शन देती है, यानी कोई कंपनी जब अपने डिवेंचर होल्डर को ये ऑप्शन दे रखा हो को जब भी चाहे अपने मर्जी से डिवेंचर को शेयर में कन्वर्ट कर सकता है। यानी जब कंपनी ऐसा डिवेंचर इशू करे जो कभी भी शेयर में कन्वर्ट किया जा सकता हो, तो इसका जो है डिवेंचर होल्डर वो उस ऑप्शन का प्रयोग कभी भी कर सकता है, और प्रयोग करके वो जो है अपना डिवेंचर जो है वो शेयर में कन्वर्ट कर लेता है। तो इस तरह से इसका जो है डिवेंचर का रिडेम्पशन हो जाता है। यानी कहने का मतलब ये है दोस्तों कि इसमें कंपनी जो है वो डिवेंचर को शेयर में कन्वर्ट कर देती है, और ऐसा इसलिए किया जाता है कि कोई भी डिवेंचर होल्डर जो होता है वो सबसे पहले ये चाहता है कि हमारी जो पैसा इन्वेस्ट कर रखा हूँ वो हमारा अच्छे जगह हो और उसे हमें इनकम मिले। लेकिन एक समय बाद ऐसा होता है कि कंपनी जो है, क्योंकि डिवेंचर पे एक फिक्स रेट होता है, उस फिक्स रेट से ही इंटरेस्ट मिलता है, उससे अधिक या कम नहीं मिलता। लेकिन एक समय बाद ऐसा होता है कि कंपनी का अगर ग्रोथ हो रहा हो तो उस पर डिविडेंड जो मिलता है प्रॉफिट वो इंटरेस्ट से बहुत अधिक होता है। तो वैसे कंडीशन में डिवेंचर होल्डर अगर चाहे तो अपने डिवेंचर का शेयर में कन्वर्ट कर सकता है। ये पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है दोस्तों पेमेंट आफ्टर ए फिक्स पीरियड, यानी कंपनी जो है एक निश्चित समय के बाद उसका रिडेम्पशन यानी डिवेंचर का रिडेम्पशन कर देती है, और इसके लिए वो दो मेथड का यूज करती है, एक सिंकिंग फंड मेथड, दूसरा होता है सिंकिंग फंड इंश्योरेंस पॉलिसी मेथड। पहला दोस्तों जो है सिंकिंग फंड मेथड जो है इसका, इसमें एक कंपनी जो है एक फंड बनाती है जिसे सिंकिंग फंड कहते हैं, यानी अपने पीएनएल अकाउंट से यानी प्रॉफिट एंड लॉस, ऐसा प्रॉफिट जिसको जो है डिविडेंड के रूप में बांटा जा सकता हो, उस प्रॉफिट से एक फंड बनाती है जिसके द्वारा उस रिडेम्पशन का डिवेंचर का रिडेम्पशन किया जा सके। यानी सिंकिंग फंड में पर ईयर जितनी में मांग के चलें कि अगर फाइव ईयर में किसी डिवेंचर का रीपेमेंट करना हो यानी रिडेम्पशन करना हो फाइव ईयर बाद, तो इसके लिए हमें पैसे चाहिए। यानी अगर डिवेंचर 1,00,000 रुपीज का हो कोई कंपनी जो है डिवेंचर अगर 1,00,000 रुपए का इशू कर रखी हो और वो चाहती है कि इसका हम 5 साल बाद रिडेम्पशन कर दे, तो इसके लिए 5 साल के लिए एक सिंकिंग फंड बनाया जाता है कि उस समय जब हमें इस डिवेंचर का रिडेम्पशन करना हो तो एकाएक हमारे पीएनएल पर यानी बैलेंस शीट पर प्रभाव ना पड़े और कंपनी को एकाएक फंड की प्रॉब्लम ना आए, इसके लिए फंड बनाती है। वो जब कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से बनाया जाता है, यानी प्रॉफिट में से जो डिविडेंड के रूप में बांटा जा सकता उस प्रॉफिट से एक फंड बनाया जाता है, सिंकिंग फंड अकाउंट खोला जाता है जिसमें पर ईयर कुछ पैसे ट्रांसफर करते हैं, और इतना पैसा ट्रांसफर करते हैं कि कम से कम 5 ईयर में जब हमें रिडेम्पशन करना हो डिवेंचर का, तो जो वैल्यू यानी 1,00,000 वैल्यू अगर है तो 1,00,000 रुपए इस फंड में अवेलेबल हो। इसके लिए पर ईयर जो है
अगर 5 से हम डिवाइड कर दें इसमें, यानी 20,000 लमसम 20,000 रुपीज जो है सिंकिंग फंड में पर ईयर इन्वेस्टमेंट करेगा, तब 5 साल बाद जाकर 1,00,000 रुपए उनके फंड में होगा। तो एक ये होता सिंकिंग फंड बना लिया जाए, यानी एक सिंकिंग फंड बनाया जाता है और उसी के आधार पर जितने साल में हमें पेमेंट करना होता है उतना फंड ट्रांसफर करके एक हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, और उसका इन्वेस्टमेंट करते हुए जब हमें डिवेंचर का पेमेंट करना होता है, रिडम्पशन करना होता है, तो उस फंड का यूज कर लेते हैं, जिससे कंपनी पर एक अदर लाइबिलिटीज नहीं आती और कंपनी को कोई प्रॉब्लम नहीं होता। दूसरी विधि ये है मेथड सिंकिंग फंड इंश्योरेंस पॉलिसी। यानी दोस्तों इसमें जो है व्यवस्था वही है, लेकिन जैसे हमें 1,00,000 रुपए का डिवेंचर का अगर रिडम्पशन 5 ईयर बाद करना है तो उसके लिए हम एक इंश्योरेंस पॉलिसी ले लेते हैं 1,00,000 रुपीज का, जिससे कि 5 साल बाद हम इसका पेमेंट कर सकें, और उस पॉलिसी का पीरियड भी वही होता है जो डिवेंचर के रिडम्पशन का पीरियड होता है, जिससे हमें जब रिडम्पशन करना हो तो वो पैसा हमें इंश्योरेंस कंपनी से मिल जाए और उसका पेमेंट हम कंपनी को जिसे भी डिवेंचर इश्यू किया डिवेंचर होल्डर को हम पेमेंट कर सके और कंपनी को कोई प्रॉब्लम ना आए। तो ये दोस्तों दो ऑप्शन था, पहला ऑप्शन था कन्वर्जन यानी डिवेंचर को शेयर में कन्वर्ट कर दो, दूसरा था पेमेंट आफ्टर ए फिक्स पीरियड यानी एक फिक्स पीरियड के बाद जो है किसी भी डिवेंचर का कंपनी के जितना भी टाइम पीरियड दे रखा उसके बाद उसका पेमेंट करती है, जिसके लिए दो फंड का यूज करती है। इसके बाद आता है दोस्तों तीसरा है एनुअल ड्रॉबिंग मेथड। एनुअल ड्रॉबिंग मेथड में भी इसमें अगर किसी डिवेंचर का पेमेंट करना है और किसी साल जिस साल भी करना हो उसके लिए ये एनुअल ड्रॉबिंग मतलब पर ईयर अपने ड्रॉबिंग से यानी कंपनी जो है अपने ड्रॉबिंग खर्चा जो है निकाल कर इसके लिए फंड बनाती है और जब डिवेंचर का पेमेंट करना होता है तब कर देती है। ये कहता है इसके बाद एट द ऑप्शन ऑफ द कंपनी, यानी कंपनी के इच्छा के पर, कंपनी की इच्छा पर निर्भर करती है कि वो किसी डिवेंचर का पेमेंट करे या ना करे या कब करे। तो एट द ऑप्शन ऑफ द कंपनी इसका मतलब कंपनी जब चाहे किसी भी डिवेंचर होल्डर का पेमेंट कर सकती है, और इसे कहते हैं एट द ऑप्शन ऑफ द कंपनी। इसके बाद आता है परचेज इन द ओपन मार्केट। दोस्तों इसमें जो है कंपनी पर जब डिवेंचर का वैल्यू कम होता है वैसे कंडीशन में ओपन मार्केट से डिवेंचर जो है वो कंपनी सेल्फ जो है परचेज कर लेती है, लेकिन इसके लिए वो डिवेंचर होने चाहिए जिन पर ऑप्शन दिया हो कि कंपनी परचेज कर सकती है। ऐसा कोई डिवेंचर अगर कंपनी इशू कर रखी हो जिसमें दिया हो कि वो डिवेंचर कंपनी खुद यानी सेल्फ परचेज नहीं कर सकती, तो उस डिवेंचर का कंपनी कभी मार्केट ओपन मार्केट से परचेज नहीं कर सकती। लेकिन इसके अलावा अगर कोई कंडीशन ना हो यानी परचेज करने का प्रतिबंध ना हो तो कोई भी कंपनी अपने डिवेंचर को अगर लो प्राइस पर रहता है तो उसे रीपरचेज कर लेती जिससे उसकी लायबिलिटी कम हो जाए। तो दोस्तों ये 5 ऑप्शन थे जिसके द्वारा जो है रिडम्पशन डिवेंचर का रिडम्पशन किया जाता है। इसमें एनुअल ड्रॉबिंग वाले में ये होता है एक ऑप्शन और होता है दोस्तों, क्योंकि एनुअल ड्रॉबिंग में एक लॉटरी सिस्टम होता है कि डिवेंचर का हम पेमेंट करते रहते हैं, यानी कोई कंपनी जब चाहे डिवेंचर का पेमेंट कर देती है और बहुत सारे अगर डिवेंचर इशू कर रखी हो तो वैसे में एक लॉटरी सिस्टम निकाली जाती है कि किस डिवेंचर होल्डर का कब पेमेंट किया जाएगा। जिसका लॉटरी आती है उस डिवेंचर होल्डर को इन्फॉर्म कर दिया जाता है कि आपका डिवेंचर का पेमेंट रिडम्पशन हो रहा है और उसे उस का पेमेंट हम कर देते हैं। तो दोस्तों एनुअल ड्रॉबिंग सिस्टम में ये होता है, यानी पूरे 5 सिस्टम है जिससे हम से डिवेंचर का रिडम्पशन कर सकते हैं। कंपनी जो है अपना इस 5 ऑप्शन का यूज करके अपने लायबिलिटीज को कम कर सकती है। तो दोस्तों ये था रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। थैंक यू फॉर कोऑपरेशन।